हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम टाटा स्टील शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, किस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट। अगर आप इस चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्राइस देखिए क्लियर कट यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है एंड चैनल का बोथ बाउंड्री को प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट किया है एंड अभी देखिए जो चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे अप था एंड अभी एक रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही प्राइस इसी रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ना, जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है एंड जिस जोन के ऊपर अभी देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, इसी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद टाटा स्टील आने वाले कपल ऑफ मंथ्स तक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है, जो कि क्लियर कट यहाँ पे अभी इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। लेकिन रेशियो चार्ट में अभी वो ट्रिगर बना नहीं, लेकिन प्राइस में बन गया है, जो कि लास्ट में जाकर हम प्राइस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। क्लियर कट देखिए, चैनल के अंदर प्राइस यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है एंड अपर बाउंड्री के आसपास प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है, जो कि दोनों रेशियो चार्ट में अभी हमको क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि टाटा स्टील का जो प्राइस एक्शन में अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है। देखिए, रेशियो चार्ट में अभी तक इतना बड़ा ब्रेकआउट आया नहीं है, शायद वीक एंड होते होते ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन टाटा स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर में हमको एक रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 2020 में यहाँ पे बॉटम बन जाने के बाद स्ट्रांग अप ट्रेंड एंड 2021 में टॉप बना था एंड लगभग यहाँ पे 23 मंथ से ए लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था एंड देखिए जिस टाइप का अभी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि ये जो ट्रेंड था ना, ये ट्रेंड का अभी कंटिन्यूशन मूव आ सकता है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा तो देखिए प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था, इस चैनल का अपर बाउंड्री की मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है, 3 टाइम टेस्ट कर चुका है एंड 4 टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है एंड लगातार यहाँ पे स्विंग हाई बना रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखिए ये था ब्रेकआउट के बाद पहला स्विंग हाई एंड इस स्विंग हाई को आज यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है एंड ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन और एक स्विंग का कॉन्फर्मेशन चाहिए था, जो कि आज यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमको स्विंग का कॉन्फर्मेशन मिल गया है। बस देखिए रेशियो चार्ट में थोड़ा कॉन्फर्मेशन पेंडिंग है, इसीलिए अभी आप इनिशियल बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार एंड क्वांटिटी को मैनेज करना है एंड धीरे धीरे करके आपको ऐड करना है। जैसे रेशियो चार्ट में वीकली ब्रेकआउट आएगा, आप वहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो प्राइस ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं बेस बनाएगा, इस टाइप का बेस बनाएगा, वही बेस में ऐड कर सकते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर में आपको जल्दी निकलना नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा ठीक है, स्टॉप लॉस एक बार होगा, अगर 5 स्टॉक से अगर आपका 4 स्टॉक भी स्टॉप लॉस होगा ना, 1 स्टॉक में आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाएगा। बस आपको कंटिन्यू करना है ट्रेंड को, जल्दी निकलना नहीं है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फुल्ली क्वांटिटी जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है तब तक निकलना नहीं है। ओके, अभी के लिए एग्जिट पॉइंट कहाँ पे रख सकते हैं, वो रहेगा नियरली बिलो 107। यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम में स्विंग लो बना है 107 के आसपास आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ देखिए स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। जनरली मैं प्रीफर करूँगा 107 के आसपास स्टॉप लॉस रखने का, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो एग्जिट पॉइंट बनेगा 107 के आसपास एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में प्राइस जो यहाँ पे हाई बनाया था इस चैनल का 152 को टेस्ट कर सकता है। उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऑफसाइड तो हमेशा से अनलिमिटेड है, बस हमको ट्रेंड को फॉलो करना है एंड हमेशा से क्वांटिटी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्वांटिटी मैनेजमेंट आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं एक ही पोजीशन के ऊपर। क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड धीरे धीरे करके आप एडिशन कीजिएगा क्वांटिटी को, क्योंकि जब भी इतना बड़ा लार्ज कैप एक रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है एंड सस्टेन भी कर रहा है, बस रेशियो चार्ट में थोड़ा ब्रेकआउट कंफर्मेशन पेंडिंग है, उसमें जैसे आ जाएगा तो
और भी मोर कॉन्फर्मेशन हमको मिल जाएगा। अगर अभी हम निफ्टी मेटल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए मेटल स्ट्रक्चर में अभी हमको हायर हाई देखने को मिल रहा है एंड रेजिस्टेंस के आसपास जाने में थोड़ा टाइम है। देखिए टाटा स्टील के बाद नहीं, आप JSW स्टील को भी देख सकते हैं, उसमें भी स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको स्टील सेक्टर का जो भी प्राइस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है उसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए मेटल सेक्टर में रेजिस्टेंस तक जाने में प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा टाइम है, ऊपर थोड़ा जा सकता है। प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेली टाइम फ्रेम में देखिए हायर हाई बना रहा है, तो मेटल सेक्टर और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड अदर मेटल स्टॉक के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि जिंदल स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, उसमें भी अच्छा खासा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करना नहीं चाह रहे तो मेरा व्यू में आप सेल को प्रीफर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं रिस्क के साथ निकल नहीं पाऊंगा तो एंड लॉस में बुक कर नहीं पाऊंगा तो आप वहां पे सेल को प्रीफर कीजिएगा एंड सेल को बाय ऑन डिप कीजिएगा, क्योंकि यहां पे डिविडेंड यील्ड भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा एंड आप थोड़ा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस नहीं लेना चाह रहे वो सेल को प्रीफर कीजिएगा एंड सेल भी आउट परफॉर्म कर सकता है। बस इसमें आपको स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है, बस क्वांटिटी मैनेजमेंट कीजिएगा एंड डी में मिलता है तो ऐड कीजिएगा एंड आपको डिविडेंड भी ठीक ठाक सा मिल जाएगा। शायद अराउंड 4-5% के आसपास सेल डिविडेंड शेयर करता है। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।